सीए पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि किसी भी सूरत में सीए वापस नहीं होगा, तो वहीं इसके खिलाफ भ्रम फैला रहे लोगों को भी कमी नहीं है। लेकिन भ्रम फैलाने वालों पर इटावा पुलिस कितनी सख्त है, देखिए रिपोर्ट। सीएए पर जगह जगह शाहीन बाग, इटावा में सीए पर माहौल गर्म, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा, उपद्रवियों पर भांजी लाठियां। लाठियों की बरसात, थप्पड़ों की बौछार, सड़क पर बिखरे चप्पल जूते और अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजती हुई ये इटावा पुलिस है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इन लोगों पर पुलिस का बर्बर रवैया क्यों? दरअसल जिन लोगों पर पुलिस डंडे बरसा रही है वो सीएए को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर सीएए का विरोध कर रही महिलाओं को भड़काने का आरोप पुलिस ने लगाया है। यही वजह है कि पुलिस इन उपद्रवियों से सख्ती से निपटती दिख रही है। दरअसल इटावा में सीए को लेकर गरमाए माहौल के बीच मंगलवार को पुलिस ने विरोध कर रही महिलाओं को समझा बुझाकर घर भेज दिया था, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ उपद्रवियों ने महिलाओं को भड़काकर दोबारा जाम लगवा दिया, जिससे यातायात व्यवस्था करीब 12 घंटे तक बुरी तरह प्रभावित रही, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए जाम खुलवाया। वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए यहां प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। सागर भाई आगे आओ, आगे आगे बहुत जल्दी हर्षन आ गया। पर सरकार जागरूकता अभियान चला रही है और इस कानून को लेकर भ्रम फैलाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन समर्थन विरोध अपनी जगह है। देखने वाली बात तो ये है कि आखिर पुलिस बिना लाठी चार्ज किए इन प्रदर्शनकारियों को कब काबू करना सीखेगी। इटावा से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।